आराम से आराम से। सुनिए, क्या आप कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं? हाँ सर, ठीक है सर। सब कुछ वैसा ही है कि जैसा सोचा था। मैं अपने सपनों के अंदर नहीं जा सकती। तुमने ये चुना है? हाँ किमल, तुम्हें इसका अफसोस है? छोटी लड़की ने जो कुछ भी कहा वो सच है क्या? तुम मेरे लिए 5 साल से रो रही हो। कुछ मत पूछो। क्या बदल जाता अगर मैं हाँ बोल देती तो? अपना हाथ पकड़ने को कहती, तुम नहीं पकड़ते। और ना ही मैं आ सकती थी। हम रुक क्यों गए? सर रोड बंद है, लगता है कोई रहने आया है। उन्होंने तो कहा था ये घर किसी को नहीं बेचेंगे। अगर एमिर को हम पर शक हो गया तो वो हमारा पीछा करना बंद नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, मैं किसी से भी नहीं डरता हूं, समझी तुम? किसी से भी नहीं डरता मैं। मगर मैं डरती हूं। यही वजह इतना सब होने का। तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और ना ही तुम उन्हें छोड़ना चाहती हो। एक अमीर बिगड़े लड़की की तरह तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें प्यार करें, और ये नहीं चाहती कि लोग तुम्हें छोड़ दें। ये दोनों चीजें मिलना बहुत ही मुश्किल है। तुम अब भी यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं?
मैं चाहूंगी कि तुम मुझे कभी ना भूलो। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद है, तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखना पसंद है। और इन सब का मतलब है कि आज भी तुम पूरी तरह से मुझे अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो। मैं चाहूंगी कि हमारी जिंदगी अच्छी हो। मैं दिल से चाहती हूं कि हमारी कहानी का अंत अच्छे से हो। केमान, मैं एक बुरे सपने के साथ 5 साल से सो रही हूं। मैं चाहूंगी कि तुम मुझे उस सपने से बाहर निकाल दो। कॉस्गो परिवार एक एक करके मेरे घर में आ रहा है, क्या बात है? एमिर, तुम कब आए यहाँ पर? सही वक्त पर आया हूँ। ये जो साइलेंट फिल्म चल रही है उसे देखने। अब मैं यहाँ उसका नाम सोच रहा हूँ। मारोगे या मरोगे? गलत मत समझो तुम, अपने वहम से बाहर आओ। मैंने बस अपने पड़ोसी को रास्ते पे जाते हुए देखा तो मैं यहाँ आ गई। इसने मुझे बताया कि इसे ये घर कितना पसंद है। ये घर उसका सबसे बड़ा सपना है। बस यही सब बातें हम दोनों कर रहे थे और तुम ध्यान से सुन रहे थे। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता सपनों के बारे में। एमिर, मिस्टर केमल को अकेला छोड़ देते हैं, इन्हें काफी चीजें दूर करनी है। मैं आऊंगा तुम्हें गुड लक कहने। इंतजार रहेगा। वैसे भी ये घर तुम्हारे औकात के बाहर है, पर मैंने तुम्हारी लालच देखी है। जरा संभल कर रहना। अगर कभी तुमने इसे चाहने की कोशिश भी की तो पहले अपने पैर जमीन पर जमाओ, अपने औकात वालों के साथ दोस्ती करो। और एक बात ध्यान रहे, जो मुझे नुकसान पहुंचाता है मैं उसे माफ नहीं करता। दर्द हो रहा है एमिर।
मुझे जाने दो, छोड़ो। तुम्हें आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए, समझी तुम? मुझे मेरी पत्नी पर भरोसा है क्योंकि वो मुझे धोखा नहीं देगी। वो डरती है कि क्या होगा। मैंने गलत कहा? हाँ एमिर। गुड, मुझे सब पता है। कुछ साल पहले तुम एक जोश भरी जिंदगी जीना चाहती थी और फिर एक गरीब लड़के को देखा और प्यार कर बैठी। तुम्हें वो जिंदगी बहुत पसंद आई और कुछ महीनों में सब नॉर्मल हो गया और फिर सब खत्म। मुझसे ऐसे चौंको मत, मुझे सब पता है। केमाल के साथ तुम्हारे अतीत की मुझे जरा भी चिंता नहीं है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो हथियार हूं जो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें इसे आजमाना है तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी। ये आंखें मेरा निशाना खुद ढूंढ लेती हैं। जिससे तुम प्यार करती हो वो मेरा दुश्मन है, समझी तुम? मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले उसके परिवार को खत्म करूंगा और फिर उसे। तुम्हें पता है मैं ये कर सकता हूं। मैं समझ गई। गुड, तुम बताओ अब और परिवार से तो नहीं मिलना है ना तुम्हें? समझ गई? हाँ। बहुत अच्छे, मेरी चालाक बीवी, बहुत समझदार हो। तुम्हें क्या लगता है केमाल की सिर्फ तुम ही भुगत रहे हो? क्या तुम्हें नहीं, क्या तुम्हें अफसोस नहीं है इस बात का कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता हम जैसे लोगों के बारे में? मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हारी थी, तुम्हें पता नहीं है कि मैं अब तुम्हारी हूँ या नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारे सच के सामने ये कुछ भी नहीं है, पर सच बताऊं तो ये झूठ भी नहीं है। क्या यही है वो जिनके लिए आप तब से रो रही हो? मैं चाहूंगी कि हमारी जिंदगी अच्छी हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारी कहानी का अंत अच्छे से हो। Thank you.
तुम्हें वो गार्डन जरूर देखना चाहिए जो मेरे रूम से दिखता है। वो बहुत ही सुंदर है, कितनी शांत जगह है वो। और अगर जब कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझसे मिलने आ जाना। फिर तुम्हारे डैड मुझे गोली मार देंगे। मगर तुम मेरे रूम के पीछे से आओगे तो हमें कोई भी नहीं देख पाएगा। तुम सच में सीरियस हो? तो क्या तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो? नहीं, पर तुम्हारे लिए बन जाऊंगा। क्या तुमने सुना? हमारे पड़ोस वाला घर बिक गया। एमिर उसे तुम्हारे लिए खरीदने की सोच रहा था। अगर वो ये सब सुनेगा तो बहुत उदास हो जाएगा। उसे तो पहले ही पता चल गया। चिंता मत करिए, उसने अपना घर ले लिया है। मगर कैसे, किसने खरीदा वो घर? अच्छा ऐसा क्या? ये कैसे जा सकता है रडार के अंदर? आप क्या कर रही थी वहां पर? अगर उसने ये घर खरीदा है तो वो एमिर से भी इम्पोर्टेंट आदमी होना चाहिए। हाँ हो सकता है। मॉम मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। यासमीन भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम अटिलियर जाओगी? नहीं, हम इस हालत में उस प्रोजेक्ट पर ध्यान देंगे। चलती हूँ। के चेहरे ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल। और वो कलर्स है ना, उसका इस्तेमाल करो, ठीक है? क्या तुम इसे फोटो से भी बना सकती हो? हेलो, कैसी हो? हेलो। हेलो मिस्टर केमाल, कितना अच्छा सरप्राइज है। मैं यहाँ से जा रहा था तो तुम्हें देखा, सोचा कि रुक के थोड़ा हालचाल पूछ लूं। हाँ, हमारा यहाँ काम बस खत्म ही हो गया था। बढ़िया। मुझे काम याद आ गया, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। कहाँ जा रही हो? वो मुझे तुमसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स जाननी है। यास्मिन मेरी पार्टनर है, आप जो भी जानना चाहते हैं यास्मिन से पूछ सकते हैं। हाँ जो भी आपका मन करे। यास्मिन क्या कुछ देर के लिए मैं तुम्हारा फोन ले सकती हूँ? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। ठीक है। सुनो नियान। मिस्टर केमाल, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। तो आपको पता चल गया है ना, हमें यहाँ पर कुछ और बनाना पड़ेगा।